हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही पूरे लाव लश्कर और काफिले के साथ चौधरी उदयभान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे। दोनों ही नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुशी साफ देखी जा सकती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भूपेंद्र हुड्डा में नया जोश संचार हो गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ताओं के बल पर कांग्रेस का एक मजबूत संगठन जल्द ही बनकर तैयार होगा। और उदयभान जी जो अपने पद का कार्यभार आज संभालेंगे चंडीगढ़, लेट हो रही है, और जो रास्ते में जिस प्रकार से वर्करों का जोश देखा, जगह जगह अब सुबह से चले जोश समर्थन बहुत कम देखने में मिलता है, उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग, जनता, हरियाणा के कार्यकर्ता सारे मौजूदा सरकार बीजेपी जेजेपी सरकार से जो है रुष्ट हो गए हैं। वो आज सरकार से के एक भी फैसले का, जनहित का कोई फैसला सरकार से, और केवल अल्टरनेटिव जो है कांग्रेस पार्टी भी देख रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में देख रहे हैं जो आज हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रास्ते में, ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी नवनिर्वाचित, तो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता स्वयं अपने आप सब एक हो गए हैं और मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, इस सरकार को धक्का देने के लिए तैयार है, और कांग्रेस पार्टी मजबूत संगठन बना के इस कार्यक्रम में लगेगी और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगी। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ है, उसे जनता कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही उदयभान ने कहा कि हरियाणा बदलाव की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की बयार चल रही है जो जल्द ही आंधी तूफान बनेगी। नहीं, जो कांग्रेस नेतृत्व में मेरे ऊपर भरोसा किया है, हुड्डा साहब ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे जो संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है, और आज हम कार्यभार संभालने के लिए जा रहे हैं हमारी सारी टीम, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली से ही इतना भारी विशाल जो समूह सभी, और विशेष करके यूथ सब सड़कों पर आ गया इतनी भीषण गर्मी में 46-47 डिग्री में, और यहाँ मौसम बरसात में इंद्र देवता ने भी इस चीज़ का हमें आशीर्वाद दिया, तो ये बात आप देख सकते हैं कि आज पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ जा रहा है, और इस भारतीय जनता पार्टी की झूठी और बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार को बदलने के लिए कृत संकल्प है। जो आज महंगाई से जनता त्रस्त है, जिस तरह से बेरोजगारी से त्रस्त है, जिस तरह से सारे हरियाणा प्रदेश को कर्जा में धकेल दिया गया है सरकार ने, हमारे इनकी कोई किसी तरह की सोच नहीं, जहां हम प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक पर थे, आज पूरी तरह से हर जगह हम सबसे फिसड्डी हो रहे हैं, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, आज क्राइम अपराध में नंबर एक है, पूरी तरह से सरकार जो भाजपा और जसपा की भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस भ्रष्ट सरकार को खड़ा करने के लिए आज पूरा जो युवा और सारा जो लोग हरियाणा प्रदेश की जनता आज सड़कों पर है, और आज हम पूरी तरह से इस बात का कह सकते हैं कि पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की बयार बहुत तेज़ी से चल रही है, और ये आंधी जो तूफान बनकर के निकलेगी और इसको भाजपा की जड़ों को उखाड़ करके इसको निस्तनाभूत करने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, और हमें उम्मीद है कि ये बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगी और हम 3/4 बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे और लोकसभा की 10 के 10 सीटें जीतेंगे। संगठन बहुत जल्दी ही, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो एक इलेक्शन का शेड्यूल बना हुआ है उसके मुताबिक आप देखोगे बहुत जल्दी हमारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष बनेंगे। DROs की हमने 7 तारीख को मीटिंग बुला ली, BRO के 11 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं, बहुत तेज़ गति से बहुत शीघ्र ही हमारा जो संगठन खड़ा होगा और सभी जो हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उन पर सभी जो बहुत जल्दी नियुक्तियाँ होंगी, और आप देखेंगे पूरा हरियाणा प्रदेश में हर जिले में हर जगह जो इस सरकार की। उदयभान ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और बीजेपी को सिंगल डिजिट पर लाकर खड़ा कर देंगे।
उदयभान ने कहा कि वो जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे और चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि भले ही भूपेंद्र सिंह और उदयभान प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने की बात कह रहे हैं, लेकिन आज भी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उदयभान की ताजपोशी से दूरी बनाए रखी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।